प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक धमाकेदार और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जब से ज्ञानवापी के ऊपर एएसआई की रिपोर्ट आई है, जिसमें लिखा है कि ज्ञानवापी में मंदिर के अवशेष मिले हैं, तब से ओवैसी और उसकी गैंग को पेड़ धोने लगा है। तो इसी पे आप देखेंगे भारत की बेटी और दबंग महिला वकील नाज़िया अली खान जी का ओवैसी और उसके ग्रुप को मुंह तोड़ जवाब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। कि मुल्ला मौलवी जो है वो तो कुरान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो जो बातें कुरान में लिखी गई उनका जिक्र तो करते नहीं है। इसीलिए जिन डिबेट्स में आप होते, जिन टीवी चैनल्स पर आप होते, पहले पूछ लेते हैं कि नाज़िया तो नहीं बैठी है, और अगर आप हो तो कई लोग तो भाग निकलते हैं, कई प्रोग्राम बीच में छोड़ के चले जाते हैं। पर मुझे अब ये समझाए कि ओवैसी जो ये कह रहा था अयोध्या के बाद से कि 6 दिसंबर 1992 को याद रखा जाएगा, हमारी मस्जिदों पर कब्जा हो रहा है, धोखे से हमसे अयोध्या वाली मस्जिद ली गई है, बाबरी ढांचा जो है वो छीना गया है, तो आपको क्या लग रहा है? अब तो उनको और डर सता रहा होगा कि अभी तो अयोध्या में मंदिर बना, अब तो बहुत जल्दी ज्ञानवापी का मामला भी बिल्कुल हिंदू पक्ष के हाथ में चला जाएगा, वहां पर भी हर हर महादेव होगा, तो डर तो उन्हें सताने लगा, इसीलिए इस तरह की बातें आने लगी है सामने की मजार थी और हम सुप्रीम कोर्ट में मामला लड़ेंगे वगैरह वगैरह। देखिए ओवैसी खुद बैरिस्टर है, कानून को वो बहुत अच्छे से जानता है, समझता है, बूझता है। अगर उसके पास कोई प्रूफ है बाबरी मस्जिद होने का, अभी भी वक्त है, जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, एक पिटीशन एफिडेविट करके डाल सकता है कि मेरे पास नए प्रूफ है, मैं इसको खोलना चाहता हूँ। आपके साथ ही शायद मैंने शो किया था ओआईसी का, मैंने ओआईसी को मेल किया था, उनके यहाँ से कोई रिप्लाई मेरे पास नहीं आया। मैंने उनको सीधा एक ही बात लिखी थी कि अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है बाबरी मस्जिद होने का तो आप प्लीज मुझे मेल कीजिए, मैं आपका हो करके ऑन बिहाफ ऑफ ओआईसी मैं सर्वोच्च न्यायपालिका में केस लड़ूंगी, क्योंकि मैं भी मुस्लिम हूँ, मस्जिद से एक इमोशनल अटैचमेंट तो मेरा भी है। हालांकि मस्जिद जाना औरतों के लिए गुनाह है, हम नहीं जा सकते, मुसलमान औरतें नहीं जा सकती हैं, लेकिन फिर भी मेरे बाप दादा जाएंगे, मेरा बेटा जाएगा, लेकिन वो कोई रिप्लाई भी नहीं किए और उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। तो उसी तरीके से 1992 से, चलिए मैं 1717 हटा देती हूँ, 1992 से ओवैसी को एक भी प्रूफ ऐसा नहीं मिला जो वो कोर्ट को दे सके और वो केस जीत सके। तब तो वो आप उसको काउंटर कीजिए अपने सबूतों से, काउंटर कीजिए। मुझे अगर मुसलमान पक्ष अगर चाहता है कि मेरे इस्लाम को मैं कितना प्यार करती हूँ, कितना मानती हूँ, तो मुझे टेस्ट किया जाए, प्रूफ मेरे सामने रखा जाए, मैं जाऊंगी मुसलमान पक्षों के पक्ष में सर्वोच्च न्यायपालिका में और मैं कहूंगी कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये है यहाँ पर था, मस्जिद ही था, लेकिन वो प्रूफ तो दिखाइए पहले, सबूत। आप प्रूफ क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि है, प्रूफ दिखा दीजिए, क्योंकि सबूत ही तो नहीं है ना, सबसे बड़ी बात तो इसीलिए हवाबाजी हो रही है। और फिर हम जिन लिबरांडुओं की बात करते हैं ना, उनमें एक मोहतरमा जिनका जिक्र आपने पिछली बार भी किया था, उन्होंने एक जगह पे वक्तव्य दिया कि मेरी सोसाइटी में भगवा झंडे लगे हुए थे, तो मुझे लग रहा था कि मेरी छाती पर गाड़े जा रहे हैं वो झंडे, इतनी दुखी थी वो। तो अब तो उनको एक और झंडा गाड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब तो ज्ञानवापी भी सामने आ गया है। आप एक सड़क छाप शेरवानी के बारे में बात कर रही है, उनकी स्पीच मुझे और कहीं से नहीं, ईरान से एक मुसलमान लड़की ने भेजा है और वो बहुत उसको बुरा लगा उस स्पीच को सुन करके, और उसने कहा कि नाज़िया तुम्हारी बातों को सुन करके मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम फैक्ट के आधार पर बात करती हो, और ये जिस तरह से बात कर रही है इसको धक्के मार करके पाकिस्तान भेज दो, और जिस किसी को भी मेरी उस ईरान की फ्रेंड का वॉइस नोट सुनना है या मैसेज देना है तो मैं दिखा दूंगी। उसने ये भी कहा है कि अगर मेरी पुश्त दर पुश्त देखी जाए, मेरे दादा परदादा लकड़ दादा फकड़ दादा, तो हम बाबर की औलाद है। हाँ, तो ये भी कहा है जी। मतलब मुझे हैरानी इस बात की होती है नाज़िया जी कि हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान का बाबर से कोई रिश्ता, औरंगजेब से कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अगर वो बाबर तक जा रही थी कि मेरे लकड़ दादा में, तो बाबर तक, तो बाबर से थोड़ा आगे चली जाती
तो पता चल जाता कि असलियत में वो क्या है। अब ओवैसी के पिताजी का नाम तुलसीराम ही कहा जाता है ना, पिताजी का कहा जाता है ना। तो मैं तो चाहूंगी कि वो शेरवानी साहिबा बाबर से थोड़ी पहले चली जाए, जब हिस्ट्री में जा रही है इतनी दूर तक, तो थोड़ा और पहले चली जाए तो उनको पता चल जाएगा कि उनके पूर्वज सही मायने में क्या थे। वो नाजिया जी, वो इन्वेडर लुटेरा आक्रांता भारत को लूटने के लिए आया था, उसकी करतूतों का तो सारा पिटारा आप कभी भी खोल सकती हैं, बाबर की आपने पिछले वाले सेशन में भी कहा था। तो आप सोचिए उसके साथ ये क्यों जुड़ना चाहते हैं, क्यों ये चाहते हैं कि हमारा पूर्वज बाबर है, मतलब सोचिए इस सोच को क्या कहेंगे। देखिए मुसलमान अल कुरान के हिसाब से जिनको अपना पहला वालिद कहता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनको जन्नत से भेजा गया था, फेंका गया था श्रीलंका में, मैंने पहले भी बोला है। तो ऐसे ऐसे भी भारत हमारे लिए नहीं है, और हम भारत के नहीं है। अगर हमें अपना दावा भी ठोकना है तो अल कुरान के हिसाब से हमें अपने बाप दादा की जागीर और अपने बाप दादा की जमीन हमें श्रीलंका में ढूंढनी चाहिए, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम वहीं गए थे, जिस पर एक नात भी बनी थी जो मुझे याद है, एक दाना खिलाकर शैतान ने आदम को निकाला जन्नत से, एक दाने पे इतनी नादानी, अंजामों को इंसान भूल गए, जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए, मुझे वो नात अभी भी याद है। तो आदम आदम ने जो खाया था उस पर एक तंजियात मानपुरी के हिसाब से एक बहुत बड़ी नात निकली। तो हमारा हक भारत पर ऐसे भी नहीं है अगर हम आदम को लेकर आते हैं तो। अब आती है बात, आपका कहने का मतलब है कि शेरवानी जी को श्रीलंका जाना चाहिए, वहां पर दावा ठोकना चाहिए। एग्जैक्टली, आपने सही पकड़ा है, आपने एकदम सही पकड़ा है। तो अवेसी जैसे मुसलमानों को, मीरा रोड जैसे मुसलमानों को, या धारावी जैसे मुसलमानों को, या जो लोग छातियां ठोक रहे अभी, ऐसे मुसलमानों को श्रीलंका जाना चाहिए, क्योंकि हम तो आदम की औलाद है ना, हम तो हवा की बेटियां है ना, तो हमें तो श्रीलंका जा करके छाती ठोकनी चाहिए। हम हमारा भारत में कुछ ना था, ना है, ना रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। तो अब आपको क्या लग रहा है, ये ज्ञानवापी मामले में क्या होता दिख रहा है? क्या ये माना जाए कि बहुत जल्द जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो हिंदू पक्ष को वो अधिकार मिल जाएगा जो वो सालों से चाह रहे थे, या यहाँ पर भी कोई अड़चन आपको दिखती है, या ये भी हो सकता है, मैं फिर से सवाल पूछ रही हूँ कि दिया भी जा सकता है या नहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से? देखिए सत्य की जीत होती है हमेशा, सत्य की जीत होती है, कोई कितना ही आपको हैरान कर सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन जो सच होता है ना वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। और मेरी बात लिख लीजिएगा, कहीं पर लिख कर रख लीजिए, हालांकि ये तो रिकॉर्ड ही रहेगा। 2029 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जा करके वहां पर भी इनॉग्रेशन करेंगे। आप लिख लीजिए मेरी इस बात को, 2029 आप कहीं पर लिख करके रख लीजिए, और एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ही वो इनॉग्रेशन करेंगे, और इससे भी ज्यादा बड़ा इनॉग्रेशन और भव्य इनॉग्रेशन होगा, तब हम दोनों साथ जाएंगे वहां पर। बिल्कुल, आपके मुंह में घी शक्कर रसगुल्ले, मीठा वाला जो ममता के राज्य में बनता है, घी और मीठा रसगुल्ला आपके मुंह में। आपने बिल्कुल सही कहा नाजिया जी कि सत्य की जीत होती है, और सत्य शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम, जो शिव है वही सुंदर है और जो सत्य है वही सुंदर है। तो हम अब देखते हैं कि इस मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है। एएसआई के रिपोर्ट में साफ खुलासा हो गया, 839 पन्नों की जो रिपोर्ट है, कि यहाँ पर पहले एक विशाल मंदिर था, उसको तोड़कर ही वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। और ये बात तो नाजिया जी हम बार बार कहते आए, आपने कितनी बार बताया कि ज्ञानवापी शब्द जो है वो उर्दू में या उस अरबी में है ही नहीं, ये तो संस्कृत से निकला शब्द है, ज्ञान की वापी यानी कि ज्ञान का कुआं, तो वो तो संस्कृत से निकला शब्द है। तो ये तो मुस्लिम पक्ष को भी सोचना चाहिए कि ज्ञान वापी का मस्जिद से कैसे रिश्ता हो सकता है, क्या लेना देना है? अगर ये बात है तो फिर तो बात ही क्या है, ये भी तो है ना, अगर वो ये समझ जाए फिर तो बात ही क्या है, जो आप भी कह रही है कि समझना नहीं चाहते। समझते सब कुछ है, पर मैंने कहा ना वही उनकी रोटी रोजी है, वही उनकी टीआरपी है।
तो चलिए अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है और मुस्लिम पक्ष इस मुद्दे को किस तरह से आगे लेकर आता है। लेकिन आपने इस मामले पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी है, और खासतौर पर आप जब कुरान की आयतें बताती हैं, तो सूरा बताती हैं, नंबर देकर बताती हैं, तो इससे लोगों को समझ में आता है कि कुरान में सही मायने में क्या लिखा गया है। क्योंकि कुरान में असलियत में क्या क्या है इस बारे में मुल्ला मौलवी कोई नहीं बताता है, तो वो लोग दर्शकों के लिए एक बहुत ही एडेड एडवांटेज होता है कि वो समझ पाते हैं कि सही मायने में कुरान में है क्या। क्योंकि अरबी सबको नहीं आती है, सब कुरान को नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपको तो कई भाषाएं आती हैं, और आप जब अरबी में ये बातें बताती है फिर उसको ट्रांसलेट करके दर्शकों को समझाती है, तो उनको समझ में आता है कि कुरान में सही मायने में क्या कुछ लिखा गया है। तो ये तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी, और मेरे लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे उन्होंने ओवैसी और उसके गैंग को मुंह तोड़ जवाब दिया, और खासकर सनातन और हिंदू विरोधियों को जो हमेशा ही सनातन का और हमारे मंदिरों का विरोध करते आए हैं उनको आड़े हाथों लिया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, और एकदम बिल्कुल सही कहा नाजिया जी ने कि सत्य की आखिर में जीत होगी, और मैं यही कहूंगा कि अब अयोध्या और मथुरा के बाद काशी की बारी है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी सी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।